मैं श्री कृष्ण प्रभाकर राजन देवदार कॉलोनी म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल नंबर 2 रोन मुंबई महानगर पालिका। आज हम देखने जा रहे हैं जो ये तांत्रिक का उपक्रम है शारीरिक सुदृढ़ का, उसमें जो घटक है स्नायुची ताकत और दमदारपना मसल स्ट्रेंथ, उसमें उपघटक जो है वजन उछलने, उपघटक जो वजन उछलने, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। अभी तो हम घर में है तो जो घर पे जो चीज़ अपने को मिलेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ में हम व्यायाम करने जा रहे हैं। तो ये है नमक, नमक के दो शैली है, अभी इससे हमको व्यायाम करना है तो डंबल की तरह हम इसका व्यायाम करेंगे। 1 2 काम के हिसाब से 1 2 1 2 1 2 उसके बाद चेंज करेंगे ऊपर की तरफ 1 2 1 2 1 2 1 2 इसके बाद फिर साइड वर्ड 1 2 1 2 1 2 1 2 ये सब वजन उछल ले इसमें आता है। इसके बाद है सेम पानी की बोतल है जो अपने घर में है उसका इस्तेमाल करके हमको एक्सरसाइज करना है। ओके, सेम वैसा करने करेंगे तो भी चलेगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 इसका भी आगे पीछे कर लेगा। 1 2 1 2 1 2 ओके, इसके बाद यह है डिब्बा। अभी डिब्बे को उठाते समय ऐसा पूरा झुकने का नहीं, थोड़ा सा पैर में फासला रख के थोड़ा सा बेंड होकर उसको आराम से उठाने का है। 1 2 इसे वजन उछलने में आता है। 1 2 1 इससे हमारे स्नायु बलकड़ होते हैं। 2 इसके बाद ये पानी की बकेट है, अपने अपने क्षमता के हिसाब से उसको भरना है और उसको उठाना है। सेम वैसे जैसा हमने डब्बा उठाया वैसा उसको उठाना है। 1 2 1 2 1 2 अभी ये दो थैली में है हमारे स्कूल की बैग है तो इसको उठाने का है। 1 2 1 2 1 2 ओके, तो ये हो गया वजन उठाना। अभी वजन उठा के उसको लेके जाना है तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे जिम चले जा रहे हैं। ओके, तो ये मैं थोड़ा हेवी है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं उसको उठा के आगे चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। अच्छा, आप सर्कल भी इसको कर सकते हैं, सर्कल में भी आप करेंगे तो भी चलेगा राउंड में। ओके, अभी ये थैली है, ये तो बैग है, इसको दोनों हाथ में लेके हम चल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो अपने अपने जो हाथ के जो स्नायु है उसको व्यायाम मिलेगा। तो अपने छोटे घर में कोई रहेगा बच्चा तो उसको अपने पीठ में बैठा के उसको हम उठा के लेके जा सकते हैं। हाँ धन्य, तो ये हो गया हमारा दूसरा मुद्दा जो है वजन बाहुल्य। जाएंगे तीसरा जो उपघटक है वो है पंजा लड़ौने। इसके लिए और एक साथी चाहिए, पंजा लड़ौने घूमने में उंगली मिलाने का है और जो अपने जो मसल्स है इससे हमको व्यायाम मिलता है। तो अभी कोशिश करेंगे मैं इनका हाथ नीचे लगाने का कोशिश करूँगा और ये मेरा हाथ नीचे लगाने का कोशिश करेंगे। रेडी, चलो स्टार्ट। अभी कोशिश करेंगे जितना हो सकता उतना ही करेंगे और उसके बाद इसका लगेगा नीचे। तो इससे क्या होता है हमारे मसल्स को, हाथ के मसल्स को व्यायाम मिलता है। तो ये हो गया अपना पंजा लड़ौने। अभी हमारा चौथा जो उपघटक है वो है
एक पे काना ढकल ले। तो इसके लिए हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे आप कुछ करना है, पास लेना है। ओके, अभी थोड़ा सा प्रेस करना है हाथ को और इसके बाद पुश करना है। ओके, पल चेंज। ओके, फिर से पल चेंज। ओके, इसके बाद फिर चेंज। ओके, ये हो गया एक में काना ढकलने। तो इसी प्रकार आज हमने शारीरिक सुदृढ़ता में स्नायु की ताकत व दमदारपना, ये जो हमारा घटक है, और उसमें जो उप घटक है वजन उछलने, वजन वाहून लेने, उसके बाद पंजा लड़वने और एकमेकाना ढकलने, ये जो है चार घटक है ये आज हमने देखे। तो ये सब आपको घर में करना है और अपने जो मसल्स है, अपने स्नायु है हाथ के और पैर के, तो उसको हमको व्यायाम देना है। तो अपने को सबको ये सब करना ही करना है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।